वक्त हम DHQ अस्पताल मियांवाली में मौजूद हैं। ऑपरेशन थिएटर में अलल सुबह मकड़वाल में ज़ख्मी होने वाले पुलिस के जवानों का ऑपरेशन हो रहा है। आज अलल सुबह मकड़वाल के अंदर एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें पुलिस का एक जवान कांस्टेबल मोहम्मद अली सकना अटक रावलपिंडी रेंज का जो था वो शहीद हो गया, जबकि उसके साथ सईदुररहमान कांस्टेबल सकना अटक रावलपिंडी रेंज, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आमिर मियांवाली पुलिस के से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तीन ज़ख्मी हुए हैं। ये बताया ये गया है कि पुलिस के जवान जब वहाँ पर मुखबर की इतला पर पहुँचे तो पहले से मौजूद इश्तहारियों मुहिबुल्ला अब्दुलरजाक और इम्तियाज़ ने फायरिंग खोल दी। ये तीनों 302 की एक FIR 131/22 में इश्तहारी हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए मुखबरी हुई थी। पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा लेकिन मुल्ज़िमों ने फायरिंग खोल दी जिससे मोहम्मद अली शहीद हो गया और तीन कांस्टेबल सईदुररहमान, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आमिर ज़ख्मी हैं। इस वक्त इनकी हालत नाजुक है, अस्पताल के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टरों की टीम अंदर मौजूद है, पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं और उनके लवाहिकीन की बड़ी तादाद भी यहाँ पहुँची हुई है। पुलिस के जवानों ने अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने से भी गुरेज नहीं किया। ये इश्तहारी इस इलाके के अंदर एक दहशत की अलामत बने हुए हैं, तवील अरसे से ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी बताया गया है कि मुहिबुल्ला इश्तहारी और उसके साथियों ने वहाँ कानों के साथ एक मकान ले रखा था जहाँ बना लेते थे और वारदातें भी करते थे। इन इश्तहारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बड़े अरसे से सरगर्म थी लेकिन कामयाबी नहीं हो रही। वारदात के बाद तमाम इश्तहारी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। कैमरामैन इमरान अली के साथ नवाई शरर, न्यूज़ मियांवाली।